अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अफसर राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। राजीव कुमार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल कोलकाता से न्यूज नेशन संवाददाता देवजानी चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई ने पहले भी पूछताछ की थी। अब राजीव कुमार को डर लग रहा था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में मामला कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट ने भी उनके ऊपर से वो प्रोटेक्शन हटा लिया है जिसके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं थी पहले। अब हाईकोर्ट के मुताबिक राजीव कुमार से सीबीआई कभी भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में सीबीआई ने एक नोटिस दिया है राजीव कुमार को जिसके मुताबिक उनसे पूछताछ शुरू हो सकती है। उसके बाद खबर मिली कि आज यानी कि शनिवार सुबह राजीव कुमार को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां पे सीबीआई का दफ्तर है वहां पे पहुंचना होगा। लेकिन राजीव कुमार अभी भी यहां पे नहीं पहुंचे हैं जबकि सीबीआई के अफसर सुबह के 9:30 बजे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सीबीआई के अफसरों का ये मानना है कि राजीव कुमार आज अगर नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे में शायद वो अपने किसी लॉयर को यहाँ पे भेज सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अब सीबीआई के अफसर जो है अपनी रणनीति तय करेंगे अपने हेड ऑफिस पे बात करने के बाद। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने अब ये कह दिया है कि राजीव कुमार को सीबीआई के अफसरों से मिलना होगा और जिस तरह से उनका वो प्रोटेक्शन भी हटा लिया गया है ऐसे में राजीव कुमार की गिरफ्तारी भी अब इस मामले में हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज नेशन।